Hi students, I am Priyanka Jain. I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. And here is a very big news for all of you. Soon we are starting a batch course for the inorganic chemistry. I have launched firstly a course on the unit 1st, unit 2nd and unit 3rd that you have seen. Okay, now we are starting a new batch course for the chemistry of p-block elements. Here we will cover all the important topics of the p-block elements like borans, chloro, nido, arachnoborans, Waite's rule, how to identify between borans, what is Stick's rule, carbaborans, and then we will see silicates, silicones, phosphorus oxyacids, oxyacids of sulfurs, halogen compounds, xenon compounds, and much more. Okay, all the questions of the CSIR NET we will cover. So we are starting the course from 10th of November. Okay, so see that course at the 12:30 p.m. right? And at the Unacademy Plus platform, there is a special feature. You can see the special classes, free classes. Okay, there are free classes in which there is a opportunity to raise a hand. You can solve your doubts in quick minutes. Okay, so you can solve your queries. So please subscribe the Unacademy Plus platform. My code is Priyanka Jain 10. PRIYANKAJAIN 10. Okay, by clicking on my code, you will get a 10% off on the Unacademy Plus subscription. Thank you. Hi students, welcome in chemistry classes. मैं हूँ प्रियंका जैन और आज का वीडियो है बॉन्ड एंगल्स के बारे में. तो सुपर ट्रिक्स आपको बतानी है यहाँ पर किसको कंपेयर करने की, बॉन्ड एंगल को. आप फटाफट से 5 सेकंड्स में बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे. सबसे पहली बात कि बॉन्ड एंगल होता क्या है. द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इज नोन एज द बॉन्ड एंगल. आप सभी जानते होंगे ये एक एटम है, इस तरीके से ये दो एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये जो एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं. ओके, अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को, वो हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हमको कहाँ से स्टार्ट करना है. मान लो आपको तीन कंपाउंड्स दिए हैं, तीन मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है, उनका बॉन्ड एंगल आपको कंपैरिजन करना है. तो सबसे पहले आपको जो देखना है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन या फिर परसेंटेज एस करेक्टर. जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा. ओके, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ तो आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से. तो उसमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको इससे क्या पता चलता है कि sp अगर है हाइब्रिडाइजेशन तो उसके लिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 के लिए होगा और उसके बाद sp3 के लिए होगा, है ना. ये आपको पता है sp के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, 180 डिग्री. ओके, उसके बाद sp2 के लिए कितना होता है, 120 डिग्री, और sp3 के लिए होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट. तो इस तरीके से अगर आप देख लेते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिए. तो अगर तीनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. आप इसको देख सकते हैं, sp के लिए आप निकाल लेंगे, देख लेंगे sp का सबसे ज्यादा होगा, sp2 का उससे कम और sp3 का उससे कम. ओके, अब दूसरी चीज जो देखनी है वो क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था क्या इफेक्ट डालते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल्स दिए, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर आप क्या करेंगे, तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है. मैंने आपको क्या बताया था, अगर नो लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होती है. जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया है वैसी ही ज्योमेट्री होगी, तो कंपाउंड की उसी टाइप से शेप होगी. और जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा. बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर्स. ओके, तो लोन पेयर्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा. ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है. जैसे कि आप देखिए ऐसा क्यों होता है, इसको आप समझिए पहले. चलिए देखिए, मान लीजिए आपने CH4 का मॉलिक्यूल देखा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, तो क्या था, बॉन्ड एंगल जो था वो रेगुलर था, 109 डिग्री 28 मिनट्स. ओके, अभी आपने क्या किया, आपने देखा NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इस ऑर्बिटल में यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो जो लोन पेयर होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पेस ज्यादा घेरते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेस घेरेंगे, तो क्या होगा, ये जो है ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं. लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होता है, ये इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, रिपेल करेगा, ठीक है. जब रिपेल होगा तो ये जो एटम्स हैं ये कुछ इस तरफ श्रिंक हो जाएंगे, इधर की तरफ, ठीक है ना. जब ये इधर श्रिंक होंगे तो मतलब क्या है, ये बॉन्ड एंगल जो है ये कुछ कम हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल कुछ कम होके यानी कि यहाँ पर रह जाएगा 107 डिग्री का. ओके,
इसी तरीके से अब आप देखिए H2O के केस में, ठीक है, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब यहाँ पर लोन पेयर आप बताइए कितने प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में, तो ये बार बार यहाँ पर नहीं बताते हैं। चलिए समझिए, आप दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो देखिए आपको पता था लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा। VSEPR थ्योरी आपने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, उसमें आपने देखा था लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। पहले तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा रिपल्सन होगा, फिर ये इसको रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो जो ये बॉन्ड एंगल है, अब ये और ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल श्रिंक होकर कितना रह जाएगा, 104 degree 5 minutes का रह जाएगा। ओके, इतना रह जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं CH4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद NH3 का, और उसके बाद H2O का। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, बाद में कवर करते हैं, पहले आप समझिए। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, पहली चीज हमने सबसे पहले क्या देखा जब बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करा, हाइब्रिडाइजेशन देखा, हाइब्रिडाइजेशन चलिए सेम था। फिर हम कहां बढ़े, लोन पेयर की तरफ बढ़े, लोन पेयर भी देखे सेम नंबर प्रेजेंट है, तब हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम को देखेंगे। अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, ठीक है। तो होगा क्या, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको भी देखिए, ये देखिए, ये आपने बनाया H2O का मॉलिक्यूल, ओके, दूसरा आपने बनाया यहां पर ये H2S का मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी यहां पर देखिए आपने हाइब्रिडाइजेशन सबसे मैंने निकाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, दोनों के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे, यहां भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको देखना है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक्चुअली में ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल यहाँ पर जो H2O का बॉन्ड एंगल है ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2S। ऐसा होता क्यों है, चलिए तो देखिए इसे भी समझते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर वो इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो कुछ कुछ इसकी तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कुछ क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कुछ ऑक्सीजन के ज्यादा पास होंगे, तो जब ये ऑक्सीजन के ज्यादा पास होंगे तो क्या होगा, जो आपको पता है था इन बॉन्डिंग पेयर्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये ज्यादा स्पेस घेरेंगे, ओके। जब ज्यादा रिपल्सन होगा इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 104 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सल्फर है ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसके पास प्रेजेंट होगा, वो हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो फिर बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पर रहेगा 92 डिग्री का, ओके। इसके लिए एक और भी रूल है, ड्रैगोस रूल, वो हम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी ड्रैगोस रूल पर, तो उसमें आप समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को कुछ और क्लियर करेंगे। अभी जो चौथा पॉइंट आता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द साइड एटम्स। अब मान लीजिए आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम था, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम था, उसके बाद आपने देखा लोन पेयर्स, ठीक है, आप लोन पेयर्स की तरफ बढ़े, लोन पेयर्स भी सेम थे, चलिए। फिर आपने देखा सेंट्रल एटम भी सेम था, अब आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे साइड एटम्स, मतलब जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है ना। ये जो सेंट्रल एटम है इससे जो ये एटम्स जुड़े हुए हैं इनको आपको देखना है, ठीक है ना, इन एटम्स को देखना है, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्चुअली में देखते हैं, तो क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, ओके। तो इससे क्या होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी साइड एटम्स की, बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा, केस कुछ उल्टा हो गया। अभी देखिए यहां पर मान लीजिए प्रेजेंट है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना, चलिए इसे दोबारा बना लेते हैं, ऑक्सीजन है और यहां पर एक जुड़ा है क्लोरीन, दूसरा जुड़ा है ये क्लोरीन, ठीक है ना। अभी यहां पर देखिए ऑक्सीजन, इससे जुड़ा है फ्लोरीन और ये जुड़ा है फ्लोरीन, तो ये किसका केस हो गया, Cl2O का, और ये किसका केस हो गया, OF2 का, ओके। देखिए सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 लोन पेयर्स का नंबर भी सेम है यहाँ पर, ठीक है। अभी से मैं नेक्स्ट आगे करके पूरा आपको समझा दूंगी, अभी आप पहले एक एक रूल को समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो साइड एटम है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब बॉन्ड एंगल कम, यहाँ पर कम मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, साइज ऑफ द साइड एटम्स, ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको दे दूँ कुछ और, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया ऐसे, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर दे दिया इथर OCS3। ओके, अब आप बता सकते हैं, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देखने चलेंगे तो कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कार्बन की भी कितनी, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कहेंगे, क्लो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की तुलना में। ओके, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है यानी कि बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, होना चाहिए ना, इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो साइज है साइड एटम्स का ये भी मैटर करता है। मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, इससे दो एटम्स जुड़े हैं, ये बड़े बड़े एटम्स जोड़ दिए आपने, ठीक है, अब ये जो एटम्स हैं इनको स्पेस नहीं चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर कहते हैं, या कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे कहते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि जो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इनको आप रुकने के लिए आपस में बहुत सारे स्पेस की जरूरत होती है, ये बहुत सारा स्पेस के रखते हैं, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं जिससे इन्हें ज़्यादा स्पेस मिले, इनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग ना हो, इसलिए जो यहाँ बॉन्ड एंगल है ये एक्चुअली में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसे क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर। ओके, चलिए तो आप फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। पहले देखिए, मान लीजिए आपको दिया है BeCl2, BCl3 और CCl4, इनका आपको क्या करना है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, आपको यहाँ पर देखना है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखिए, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2+2 ऑफ द क्लोरीन, तो यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसके केस में आप देखिए, हाफ बोरोन पे कितने एटम्स है, सॉरी बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। ओके, और 3 क्या है, क्लोरीन एटम्स, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2। ओके, सिमिलरली आप देखिए CCl4 हाफ, अब यहाँ पर देखिए कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 क्लोरीन एटम्स जुड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया तीनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp2 में होगा, और उसके बाद होगा sp3 में, तो मिल गया आपको अपना आंसर, क्या BeCl2 में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद होगा BCl3 में, और उसके बाद होगा CCl4 में। चलिए इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब आप देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, आप देखिए NO2-। ओके, एक और दिया है आपको NO3-, एक दिया है NO2+। ओके, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको आप काउंट नहीं करेंगे, +1 चार्ज को काउंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर देखिए आप हाफ 5 अगेन +1 यानी कि 3, यहाँ भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब इसे देखिए हाफ 5-1, चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आया 2, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp। तो एक चीज़ तो क्लियर है, सबसे पहली चीज़ क्या क्लियर हो गई, आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों का तो सेम है, इसका डिफरेंट है, और sp के लिए बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, तो NO2+ के लिए बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया, sp के लिए कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो गया सबसे ज़्यादा। अब चलिए इन दोनों में देखिए, ये दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तो आपको देखना पड़ेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से 2 किसके लिए यूज हो गए, ऑक्सीजन के लिए, बचा 1, उसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 3 है, तीनों के तीनों यूज हो गए, यानी कि 0 लोन पेयर, तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, इसमें 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, यानी कि NO3- का ज़्यादा होगा और उसके बाद होगा NO2- का। मिल गया आपको आपका जवाब। चलिए अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, आपको दिया है NH4+, फिर आपको दिया है NH3 और एक दिया है आपको NH2-।
इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सबको बैठ के ट्राई करिएगा और बहुत ही इजीली हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, 5 + 4 - 1, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। ओके अभी यहाँ पर देखिए 1/2 5 + 3 यहाँ भी आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके इसको देखिए जरा, 1/2 + 2 + 1 तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर भी आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके तीनों के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। चलिए अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, ये देखिए 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, यानी कि चारों बॉन्डिंग पेयर्स हैं, नो लोन पेयर, तो हम लिख सकते हैं 0 लोन पेयर। इस केस में देखिए आप, 3 तो क्या होगा बॉन्डिंग पेयर्स, तो 1 यहाँ पर क्या होगा लोन पेयर। अब इस केस में देखिए आप, 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो 2 यहाँ पर क्या होंगे लोन पेयर्स। जितने ज्यादा लोन पेयर्स उतना कम बॉन्डेंगे, तो सबसे कम होगा NH2- के केस में, ठीक है, उससे ज्यादा होगा NH3 के केस में, और उससे भी ज्यादा होगा किसके केस में, NH4+ के केस में। ओके तो सबसे ज्यादा किसका है, NH4+ का, और उसके बाद है NH2- का। अब देखिए आगे और एग्जांपल देख लेते हैं, SO3 और दिया है SO2, इन दोनों की केस जरा देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, यहाँ पर कितना है 6, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर भी 6, ओके क्योंकि हमें ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, तो 3 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ओके दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर तीनों यूज अप हो गए यानी कि 0 लोन पेयर, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 यूज अप हुए यानी कि 1 लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, यानी SO2 के केस में बॉन्ड एंगल कम होगा SO3 से। ओके अभी पांचवा केस देखिए, आपको कंपैरिजन करने को दिया है CH4 NH3 और H2O, इन तीनों का अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन चलिए आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता देती हूँ फिर से। देखिए इसके केस में आपने देखा 4 + 4, ओके तो यहाँ पर कितना आया 4, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पर देखिए आप 1/2 5 + 3, ओके तो यहाँ पर कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन है 4 यानी कि sp3, यहाँ पर देखिए 1/2 और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स +2 यानी कि 4, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। पर देखिए लोन पेयर्स देखते हैं, यहाँ पर 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स नहीं है, 0 लोन पेयर। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं यानी कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके केस में है, H2O के केस में, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, फिर होगा NH3 का, और उसके बाद होगा CH4 का, ठीक है। अब देखिए आगे एक और केस देखिए, आपको कंपैरिजन करना है NH3 का, PS3 का और ASH3 का, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये देखिए, इसके लिए भी आपको सबसे पहले देखना होता है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो आपको पता है इन तीनों में एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, आप निकाल कर भी देख सकते हैं। देखिए 5 + 3 फटाफट निकालेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखिए 1/2, तीनों एक ही उसके हैं, और देखिए सेम नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए सेम ही आना है। तो यहाँ भी देखेंगे आप 4 मतलब sp3, यहाँ भी देखिए 5 + 3 यानी कि sp3, ठीक है, तीनों के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और तीनों में ही एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, और इसमें भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके तो अब क्या करना है आपको, आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम, इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको चेक करना है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करनी है। तो देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा, फिर PS3 का होगा, और उसके बाद होगा ASH3 का, कारण मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है ना, क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा से ज्यादा इसके पास होंगे, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा इनके बीच में, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल क्या था, अगर हम देखते हैं H2O, H2S, और इसी सेम ग्रुप में और आगे आप चले जाइए H2TE, इस तरीके से
इन तीनों का भी आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ भी सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स है और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स है। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है और यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, टेलुरियम है। ओके, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद H2S का होगा, फिर H2T का होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन, फिर नंबर ऑफ लोन पेयर्स और उसके बाद देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी देखते हैं नेक्स्ट, अभी एक और एग्जाम्पल देखिए आप। मान लीजिए आपने लिया PF3, PCl3, PBr3 और एक लिया PI3। अब इनके केस में क्या होगा, देखिए इनके केस में भी सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है। ओके, अभी आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस है। ओके, जैसे कि NH3 के केस में 1 लोन पेयर था, उसी तरीके से यहाँ भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 3 बॉन्डिंग पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, 1 है, 1 लोन पेयर सबके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी लोन पेयर्स का नंबर भी सेम है। आपने देखा सेंट्रल एटम भी सेम है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। ओके, तो हमें देखना है साइड एटम, जो साइड एटम यहाँ पर जुड़ा है वो क्या है, फ्लोरीन है। ओके, यहाँ पर साइड एटम क्या है, क्लोरीन है और यहां पर क्या है, ब्रोमीन। और यहां पर आयोडीन। तो देखिए साइड एटम्स के केस में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए एक और एग्जांपल देखिए, OF2 और Cl2O और एक और क्या है, Br2O। ठीक है, इन तीनों के केस में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, उससे जुड़े हैं फ्लोरीन्स। ओके, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तीनों ही केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है और तीनों ही केस में 2-2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। सॉरी, यहां पर क्लोरीन है। चलिए, तो अब देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, OF2, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, फिर इसका होगा और उसके बाद इसका होगा। ठीक है, इसी तरीके का सेम एग्जांपल एक और बनता है SF2, SCl2 और SBr3। इस केस में भी सेम है, इस केस में क्या है, SF2, SCl2, SBr2 सेम है, सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, यहाँ पर सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, ये देखिए यहाँ पर जुड़ा है फ्लोरीन, यहाँ पर जुड़ा है क्लोरीन और यहाँ पर जुड़ा है ब्रोमीन। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, फिर इसका होगा और उसके बाद इसका होगा। ठीक है, अभी एक और केस देखते हैं हम लोग, क्या है, Cl2O और H2O। इसके केस में देखिए, चलिए इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक तो है, ये क्या है, H2O। ओके, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है और नंबर ऑफ लोन पेयर्स दोनों ही केस में कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। सेंट्रल एटम आपको पता है सेम है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है, यानी बॉन्ड एंगल किसका कम होगा, क्लोरीन का, इसका Cl2 होगा, होना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअली में Cl2 का बॉन्ड एंगल कम नहीं होता है, Cl2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H2O। ठीक है ना, इसका बॉन्ड एंगल लगभग 109 से 111 डिग्री के बीच में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्लोरीन एटम्स हैं ये लार्ज साइज के हैं, इनको रुकने के लिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, ये बहुत सारा स्पेस चाहते हैं,
तो जब ये स्पेस जाते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा इस तरीके से। इसे इस रिपल्सन को हमने क्या बताया था, स्टेरिक क्राउडिंग कहते हैं इसे हम, ठीक है ना। तो जब स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये थे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा बॉन्ड एंगल का टॉपिक, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, हमें बॉन्ड लेंथ देखनी है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी है, ट्रैगोस रूल देखना है, सब कुछ देखते हैं अगले वीडियोज में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।